बाद में काफी लोग जो गलतियां करते रहते हैं वो कौन सी है और वो नहीं करना चाहिए, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में पिछले 41 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सेक्स करने के बाद में बहुत लोग कुछ गलतियां करते रहते हैं और वो गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो गलतियां यदि आप करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो नंबर एक, गलती नंबर एक, लोगों ने हाइजीन बहुत अच्छी मेंटेन करना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि सेक्स करने के बाद में अपना प्राइवेट पार्ट पुरुषों ने धोना चाहिए कम्प्लीटली, चमड़ी पीछे करके, मतलब प्रीप्यूस है उसको पीछे करके साफ सफाई, जांग में से पूरा साफ सफाई नीट और क्लीन करना चाहिए, वो ख्याल रखते नहीं है। वैसे बेड, जो बेडशीट है वो बेडशीट बदलना चाहिए। बेडशीट खराब हो सकती है और उसके ऊपर ही आप सोते हैं और कोई कीटाणु का यदि प्रादुर्भाव हो जाता है तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस पूरे पूरे बनते हैं। तो नंबर एक, हाइजीन का ख्याल रखो। नंबर दो, पुरुषों ने पेशाब को नहीं जाना चाहिए। सेक्स के बाद में पेशाब को यदि पुरुष जाते हैं तो होता क्या है कि मतलब पॉसिबिलिटी है कि पेशाब बाहर आने के बदले थोड़ी पेशाब उधर अंदर रिवर्स जा सकती है, और यदि वो रिवर्स गई तो पेशाब जो है वो सेमिनल वेसिकल्स को इन्फेक्ट कर सकती है। इसलिए पुरुषों ने सेक्स करने के बाद में पेशाब को नहीं जाना चाहिए, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ते हैं। नंबर तीन, सेक्स करने के बाद में टाइट कपड़े नहीं पहनना चाहिए। टाइट कपड़े आप यदि पहनते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि रैशेस हो जाएंगी, खुजली हो जाएंगी, तो टाइट कपड़े बिल्कुल नहीं पहनना है। जितने लूज कपड़े आप पहन सकते हैं और इनर वेयर पहनना टालते हैं तो बहुत अच्छा है। इनर वेयर पहनो ही नहीं और लूज कपड़े पहनना है तो उससे क्या होगा कि उससे काफ़ी फ्री, मतलब ये रहेगा एयर अच्छी ये हो जाएंगी, मतलब मिलेगी वो एरिया को, नीचे के एरिया को, और उससे काफ़ी अच्छा स्वास्थ्य रहने के चांसेस बन जाते हैं। नंबर चार, आपको हाथ साफ करना है। क्या होता है कभी कभी आप हाथ से करते हो और हाथ से कभी एनल सेक्स कर लिया, कभी वजाइनल सेक्स कर लिया हाथ से, तो हाथ को इन्फेक्शन रहने के चांसेस होते हैं, और वो कभी हाथ यदि पुरुष के लिंग को लग जाते हैं तो उसको वहाँ से इन्फेक्शन बन जाता है, बन सकता है। तो इसलिए कभी भी सेक्स के बाद में साबुन से पूरे हाथ, जैसा हमने कोविड के समय देखा था कि कैसे हाथ धोना है, वैसे पूरे हाथ धोना बहुत ही जरूरी है। पांचवा है कि महिलाओं ने सेक्स के बाद में पेशाब करना चाहिए। वो यदि करते नहीं तो चांसेस बन जाते हैं इन्फेक्शन के, ये पुरुषों से उल्टा है। और पेशाब को जाना चाहिए महिलाओं ने, और गुनगुने पानी से प्राइवेट पार्ट्स की सफाई करनी चाहिए तो उससे इन्फेक्शन बनने के चांसेस एकदम कम हो जाते हैं। तो ये पांच बातें यदि आप करते हैं तो डेफिनेटली आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ये लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। अब आपका ख्याल रखो, आपके परिवार का ख्याल रखो, क्योंकि आप बहुत बहुमूल्य हो। थैंक यू वेरी मच।